देखो ये पूरा पूरा तोड़ दिया हमने। गास जोर जोर के मारो। वो देखो गास बांध रहे हैं। जो हमने सेफ्टी के लिए बांध किया था। बेटा ये थोड़ा सा गाड़ी का टिमटिम हो रहा है। गलाम है सर। और ये बरसा बरसा होती है, कुछ और नहीं समझना। अपनी गलती है। इसका अपना ब्रिज बना है जी सर। ये वो बता रहे 20 साल पुरानी है। कह रहे 20 साल पुरानी है। इधर कब्रिस्तान है, इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं ढूंढने? कब्रिस्तान में जा रहा हूँ पत्थर ढूंढने। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज हम निकलने वाले हैं किधर? आज हम जाने वाले हैं गांव। अपने गांव में क्यों लाने हमने उधर से? वहाँ बम सूट है हमारे, बम सूट उसको पब बोलते हैं। पब हाँ, वो मतलब एप्पल जैसा ही होता है पर उसकी सब्जी सब्जी ही बनती है। नहीं वो पापा बनाते रहते हैं तो देते नहीं आती, पर बहुत अच्छी होती है और क्या छुट्टी होती रहती है, वो खाने में भी बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो वही चीज हम अपने गाँव से लाने जा रहे हैं, आपको बनाकर भी दिखाएंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में पापा आप सीखे व्लॉगिंग करना, निकलते हैं हम इधर से। चलो सो यार अभी तो हम पहुंचे बड़ेराम, तो यहाँ बड़ेराम का रास्ता बड़ेराम पहुंचने वाले हैं। मतलब अभी पापा जा रहे हैं बड़ेराम पहुंचे। ये नारकरा रोड है। अब जिधर भी पहुंचे मैंने बोल दिया बड़ेराम, तो बड़ेराम पहुंचेंगे। अब हमारा एक को टर्न मारना है, उसके बाद हम सीधा बड़ेराम पहुंचेंगे। ठीक है निकलते हैं। ओपुरा पहुंचने वाले हैं। तो यार देख लो, मतलब आपको क्या बताना है, जैसे हम गर्मियों में आते हैं फिर इधर बताऊँ कितनी अच्छी सीनरी होती है। आज देखता हूँ इसका हाल। सरसों लगे क्या लगी है? सरसों सरसों हाँ, वो क्या होता है मुझे नहीं पता है, पर देख रहा है सरसों का तेल होता है मॉइस्चर ऑयल। मॉइस्चर ऑयल है और ये रूह होते हैं, इससे कॉटन बनते हैं। ये होता है जैसे ये माइक होता है जिससे हम गाने आते हैं। हेलो फील करो, जब हम पहले पहले आते थे ना तब भारी भारी जाता है, अब खाली खाली जा रहा है और ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा जैसे मैं गांव में आया हूँ। और सर्दी और जो गर्मी होती है ना समर्स में, दोनों में पूरा टेम्परेचर अलग हो जाता है, फुल टेम्परेचर अलग, पूरा मतलब सीन अलग हो जाता है यार। आप पिछले ब्लॉग में देखना थी जब गर्मी थी ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक किया, फिर ऊपर देखना आइकॉन में मैंने दिया और अपना चैनल का एक वीडियो का लिंक, उसमें आप देख सकते हो जो पहले वीडियो है तो आज की वीडियो में कितना अंतर है। आज पेड़ पूरे खाली हो गए, आग लगी है और लगाई है कोयला, कोयला सर्दियों के लिए नहीं, ताकि अपने आप को बचा पाए सर्दियों में ठंड से। फाइनली मैं पहुंच गया था ओवर ही डैड गेट खोले, ताकि मैं ऊपर गाड़ी चलती है अपनी, तो निकलते हैं ऊपर। जब हम मतलब बहुत दिनों बाद या हवेली खोलते हैं या फिर कोई भी चीज़ खोलते हैं, मतलब आप देखो ना तो कितनी ज़्यादा ये होती है, वही हाल है इधर। देश साफ कर रहे रास्ता और पूरी वो पत्थर ही पत्थर ही पत्थर है और साथ में लकड़े, तो ऊपर चढ़ते ऊपर बताते हैं आपको। ये क्या चीज है इधर, ये क्या चीज आई हुई है, तो देखते हैं हम। ओह यार ये मतलब अपना घर खाई नहीं दे रहा है, दे सकते यार। ओ ये रहा अपना घर और ये रहा जो हम लेने आए हैं। वो छोटे हेलो नहीं उठी जी, मार गई कैसे अंदर, ये भी खराब हो रही है, चिड़ियों ने सारा खा लिया ये। आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है, देखो है पूरी तो पूरा ये खत्म है। और ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी, देखा तो देखते हैं अभी, पता नहीं उन्होंने पूरा तोड़ दिया इधर से आया अंदर। मैंने बोला ना इधर से आया है, कोई सी चोरी की है। देखो ये पूरी तो पूरा तोड़ दिया हमने, जो हमने सेफ्टी के लिए बंद किया था। किसने तोड़ा है? वो ये मतलब अपने फायदे के लिए इधर आ रहा है, वो निकले इधर से। चलो यार ये पूरा खाली हो गया है पेड़, मतलब एक खोटने की मुझे दिखाई दे रहा है, कैसे क्या बताऊं आपको। ये तो है नहीं क्या डैड, ये भी उतार रहे हैं साइड, खाली हो गया पूरा। क्या तो गाँव आते नहीं है, कोई हाँ वो बात तो है, जब तो यहाँ होते हैं मतलब बिजी होते हैं ना अपनी अपनी लाइफ में, गाँव में कम ही आते हैं। क्या पता आप कोई नीचे नहीं जाए छोड़ मुझे,
बाकी किस्मत होगी। ऊपर ऊपर उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है। ये रहा अखरोट, ये भी खाली हो गया। मैं ऐसे किए टूट गया। ढूंढते पापड़ और ढूंढ है तो ढूंढते हम भी, ठीक है। गाइस आपको इस चीज की मतलब बहुत बेस्ट चीज बताने वाला हूँ। तो डैड को दरवाजा ओपन करने, तो मैंने बोला उधर से निकलते हैं, वो खुला है तो कोई बात नहीं। डैड ने खोल दिया, स्लो स्लो नहीं साथ में जाएंगे। क्या एक कौन हम बाद में निकलेंगे, पहले उधर से कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। वाह ये मतलब सीलती होती है जो खाते रहते कौन जो बेचते थे 10-10 बीस में। सोन शुद्ध भी लिया था ना लेने, वो चीज है। YouTube देखो अंगद जी, अंगद जी जोर का उसका जोर जोर का मारो, जोर जोर का मारो। वो देखो घास बांध रहे हैं और ये शाली को छिम रहे हैं, इसको बोलते हैं दांत, दांत को छिम रहे हैं। और मेरे बेटे को अभी एक्सपोर्ट भी नहीं है, देखो ये कैसे बांध रहे हैं। ये रिशिदा है हमारा, क्या नाम है, गुलाम हसन। और ये है ये हमारे गाँव के शहर में जाना। और ये हमारा गांव है लक्की गांव, जो सब चले गए, सब उठ गया। ये अभी यहाँ पर बच गया है किस तरीके से। ये हमारा अमरजीत सिंह है, बहुत अच्छा है, गांव में रहता है। तो देख सकते हैं ऐसे साफ कर रहे हैं वो सारा, इधर से सारे वो क्या बोलते हैं चावल निकाल रहे हैं। ले लो यार क्या सीन है, मैंने भी बोर किया इधर तो पूरा पूरा साफ हो गया। इधर से सारा ये करे भाई, खेतों में होता ना जो लगते थे इधर ग्रीन था वही चावल होते हैं इधर। और जैसे बांध करते हैं उसको सारे मतलब चार चीज का यूज करनी आप किसी गाय के या किसी को खिलाना है गाँव को। तो देखो डैड इतनी मेहनत करती है उसको साइड करें, क्योंकि इधर हमारे जो क्या बोलते हैं सब्जी होती है फलियाँ होती है वही थी उधर जो हमने गई थी, वो साइड खा रही है गांव वाले को। डैड कुछ टाइम बहुत गुस्सा है, टेम्पर हाई हुआ है इसका, कर दो ऐसे बंद। तो इधर ही डैड ने बंद कर दिया इसको। चलो अभी हम जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं। देखो हमारी खेती के हाल चढ़ दिया इसको, साइड निकलना भाई हमें। ओ यार खींच रही है दो हाथी उसने भाई अपना। गाइस देख लो मेरी सल्टी, आहा कौन एक, ये हम घर जाते खाएंगे इसको, ठीक है। दो ये निकालते हैं और डैड निकाल रहा है दूसरा उधर, डैड मैं इधर निकाल रहा हूँ, निकालते हैं, ठीक है। फाइनली देख सकते हैं कितने निकाल दिए, अब ये सारे मैं गाड़ी में छोड़ जाने वाला हूँ। ये रही हमारी खेती, अब आधे खा रहे हैं यार जितनी भी क्या बोलते हैं इसको, ये छोड़ जाते हैं वो ले गए आधे आधे, उन्हें पता नहीं क्या किया है, और खूट भी ले गए। अब ये उतारते हैं गिना ले जाए कौन क्या बोलते हैं स्टोव सेव जैसे होते हैं पापा, तो निकालते हैं और निकलते हैं दसे, ठीक है। अब मैं चढ़ने वाला हूँ गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर चढ़ के मतलब इधर पाँवर के इधर चढ़ने के बाद उसके बाद उधर से उतारूंगा मैं, ठीक है। तो आने दो पापा को, अंगद दीप ना पौड़ी ना कुछ है चढ़ने के लिए, गाड़ी पर चढ़ बैठे। अब गाड़ी को देख देख कर बैठ नहीं पड़ना चाहिए, गाड़ी को आराम से उतारने, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पब। गाड़ी का नुकसान हो जाए, गाड़ी का नुकसान नहीं करना, पर आराम से उतारो और अपने बैग भर दो। इसकी मज़ेदार सब्जी बनाएंगे हम घर सिंधर जाकर, ऊपर भी है सर के ऊपर भी है। हाय आ सर बेटा, बेटा ये थोड़ा सा गाड़ी का टिप टिप हो रहा है, टिप टिप हो रहा है, टिप टिप को बचा कर रखना, एज पर पानी इधर इधर बताओ, टिप टिप बरसा पानी, नो नो पानी नहीं बरसेगा गाड़ी बरस जाएगी। अरे टिप टिप आप कहाँ से लाओगे, मैं वर्षा कहाँ से लाऊंगा, चलो जम्मू जाके तेरे लिए वर्षा देखते हैं। वर्षा वर्षा होती है कुछ और नहीं समझना, गिरते हैं खुद ब खुद, वो नहीं गिरने नहीं चाहिए। नहीं ये YouTube के जो वीडियो मीडिया ना उसको शो समझ लेती है। चलो देखेंगे वर्षा अगर आ गई तो वर्षा ही कर देंगे।
नहीं तो पहन जी कर देंगे कि YouTube एडी का मूल लाइट, इसने अपनी गाड़ी पर भी चुकवा दिया एडी का मूल लाइट, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना और देखते रहना मजे मजे वीडियो रोज रोज। कैसे हो आप सर? ये भालू है, भालू छुप कर बैठा है, ना पगड़ी दिखाई देती है ना कुछ दिखाई देती है। तो यार ऐसे हम देख रहे थे ऊपर पर क्या ला रहा है। ओहो क्या बात है, ये कैसे लाए आपने? लाए नीचे नीचे है बहुत। अब बाहर बाहर की साइड, अंदर वाली साइड पूरी खाली होगी। नहीं तो अब निकलते हैं, अभी वो ठीक करते हैं, उस टाइम निकलते हैं। वो पिछली दफा भी हमने ठीक करवाया था। फाइनली हम इधर से निकलने वाले हैं। बुरी क्या है नीचे? अच्छा इधर तो बहुत बुरी हालत हुई है, देख सकते कैसे उतरना पड़ता है नीचे, ध्यान ध्यान से उतरना पड़ता है। उतरते हैं नीचे, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये मैंने खुद बनाया है, ये वाला देख सकते हैं। बड़ी मैं गड्ढे बनाया था हमने जब हम छोटे थे। ठीक है ना यार, तो निकलते हैं इधर से। चलो ये खोज है हमारा, मतलब गांव में आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम में भी सस्ते से जा रहा हूँ। ये खातना है क्या? खातना 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 फिर आएगा नाजुन पेड़ जैसे हैं। वो सामने तो नहाने आते थे हम पीछे जाते थे नहाने। इस साइड में कभी नहीं आया हूँ। अभी तो पानी भी नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। पहले बहुत पानी था, पहले बताऊँ इतना इतना पानी था, कितना बताता हूँ मेरी चेस्ट इतना। अब कोई बिल्कुल वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा। सर्दी में कम हो जाता है, सर्दी में कम हो जाता है। आपको नदी बताने जा रहा हूँ मैं, क्या नदी दूसरे को जो मतलब फसल लगाने के लिए, कास्ट के लिए, उसकी अपनी ब्रिज है ठीक है, इरिगेशन के लिए। क्या बात, क्या बोल रहे बाबा? तो तेरी नदी अपनी नदी है, इसका अपना ब्रिज बना है। नीचे चल रहा है, नीचे अलग है ठीक है, ऊपर अलग है। देख लो यार वाह, ये सीन मैंने फर्स्ट टाइम देखा नदी वाला। तो उधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, उधर सप्लाई होती है, इस साइड मुझे लगता है दूसरी साइड जाएगा। तो निकलते हैं हम। और आपको पता है आज हमने खेती भी की, आज हमने क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं यार वो ग्रीन एप्पल भी बता रहे हाँ, और वो क्या बोलते हैं, कौन चीज बोलते हैं यार उसको जो मैंने ऐसे से मार रहा था, उसको मार नहीं आता मैं ऐसे से, वो इनको बोलना आता है वो कश्मीरी में क्या बोलते हैं, दाएं चमन, दाएं चमन। तो वही ये मैंने उसमें से चावल होते हैं कश्मीरी चावल, नहीं जी जी कश्मीरी चावल होते हैं, वही आप शादी में यूज करते हैं खाते हैं, क्योंकि मजा दाल के साथ खाएंगे तो और ही मजा आएगा। आपको बना के हम दिखाएंगे, खुशबूदार चावल होते हैं, खिला तो नहीं सकते। ये इतना का रास्ता है ये वाला, तो चलो अभी निकलते हैं। दही ले आइए तो जो मतलब ऐसे साफ नहीं करते उठाते ले जाएंगे अपने घर के साथ। मासी का रहता था गाइस, ये हम बाजार में फिरते हुए कानेरी भी रहे थे जी सर, ये वो बता रहे 20 साल पुरानी है, कह रहे 20 साल पुरानी है, बहुत नहीं ये 6 साल से लाया जो हमारी ना हमने मामा ने लाई थी, वो इतनी मोटी है ये भी मिलती आज स्टार्ट हो गया सीजन, तभी ये बाहर आई है तो ऐसी बहुत सारी मिलती है 300 रुपए की। कानेरी छोटे हमें इधर से जाने वाले, ये अच्छा है, अच्छा है मैंगो नहीं पीना, ऑरेंज ऑरेंज जो आता ऑरेंज है कोई देना ऑरेंज और नहीं देना इनको, ये मैंगो नहीं पीते, ये पीते नहीं है। तो मैंने अपना सामान ले लिया, ये लो पैसे पहले लो। तो निकलते हैं हम इधर से ठीक है, कानड़ी तो चाहिए तो बोल देना, मैं यूट्यूब पर चढ़ा दूंगा इसकी लोकेशन ठीक है। तो ये उधर भी मिलती है, आ जाओ ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज पापा पीते हैं तो स्किन पी। चलो तो ये थोड़े 230 रुपये किलो, अब दे दे पापा ने लेने नहीं लेंगे, मैं भी देता हूँ ठीक है। अब बाजार में आए तो सही ले जाएंगे हम, अब डरने वाले हम फोन, तो मैं भी साइड ले लेता हूँ, मैं नहीं और डर ले लेते हैं। चलो तो हम लेने वाले हैं, अब ये खुलते हैं ठीक है, एक दो ले डर चटो चटो, अभी कैसे तोड़ू मैं, कोई पत्थर वत्थर मिल जाए अच्छा सा तोड़ देता मैं, ढूंढते हैं पत्थर। ये तो कब्रिस्तान है, इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं ढूंढने, कब्रिस्तान में जा रहा हूँ पत्थर ढूंढने।
इसे तोड़ने के लिए वॉलनट वॉलनट तो खाते हैं छोटी और फिर खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। मजा रहे मजा रहा तो लेते हैं जैसे ठीक है तो ले लिया हम तो निकलते हैं अपने घर की ओर डालते हूँ गाड़ी में इसको ठीक है। सो फाइनली अभी मैं घर पहुँचा हूँ तो वीडियो अपलोड हो रही है अभी 13% हुई है तो जैसे ही हो जाएगा अपलोड तो वो आप देख लेना वीडियो। तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना एंड शेयर करना। बाय बाय।